जनता पार्टी की प्रत्याशी भी खड़ी है, तो आपके रिश्ते अब पार्टी से किस तरह के हैं? या आप देखिए, मेरा रिश्ते का जहाँ तक सवाल है, मेरा सिर्फ कागजी रिश्ता है। मैं तो एमएलए बनने के 2-3 दिन के बाद ही मेरा उनका फैसला हो गया था कि भी आपको जो हम सोच के आए थे वो चीज़ आप नहीं हो, तो उसी दिन से हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं, कोई बातचीत या कोई चुनाव कभी नहीं है। वो तो भी देवेंद्र कोबली ने, देवेंद्र कोबली ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, जोगी राम ने बीजेपी कर दिया, तो जेजेपी के करके सारे के सारे आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने तो वो बातें बताई हैं जो मैं समझता हूँ। सुनो मेरी बात, देखिए, जो आदमी किसी स्टेज पे जाता है, जो आदमी क्लियर कट किसी गांव में जाता है, वोट मांगता है, तो ही शुड फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप एंड देन गो। मैंने कहा, किसी को कहा जी आप बीजेपी की सपोर्ट कर दो, मैंने कहा अभी बीजेपी की सपोर्ट उस दिन करूँगा जिस दिन मैं मेरी इस मेंबरशिप को इससे इस्तीफा दे, पहले नहीं कर सकता। अब वहाँ भी जो मैं कह के आया हूँ, इसमें कैथल में कुरुक्षेत्र में ये कह के आया हूँ कि भाई किसी को वोट देते बट नॉट वोट फॉर दिस केजरीवाल, आप बेशक अभय सिंह को दे दो, किसी को दे दो, मायावती वाले को दे दो, इसका भतीजा ने भी खड़ा कर रखा उसको दे दो, इसको मत करें, इसको मत बोलते हैं, इट्स मोस्ट डेंजरस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री। अगला चुनाव रामकुमार गौतमानंद से लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल मना कर चुका था, लेकिन वक्त ने वो लड़ा दिया, और इस बार किसी हाल में भी लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन वक्त बड़ा बलवान है, वक्त करे मेरे क्या करे, वक्त बड़ा बलवान, अर्जुन का भैया बीजों ने रोक भैया तू वही बात नहीं चाहे, तो समय को क्या मंजूर है कौन जानता है। वैसे मैं हेल्दी भी नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, बीमार रहता हूँ, उम्र भी मेरी आज भी 79 है। चुनाव परिवार से कोई आ सकता है? किसी का कोई इरादा नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा वकालत करता है। देवेंद्र कोबली ने लोगों की मीटिंग ली, राय शुमारी करी, गौतम जी आपने भी किसी से कई बार राय शुमारी की? मेरे से रोज राय शुमारी होती है, लोग मुझे रोज बताते रहते हैं जी इसमें फैसला करियो जी, उसमें करियो जी, इसकी हवा है जी, इसका ये है जी, इसका वो है जी, रोज करते, कोई फोन अनगिनत फोन रात के 12 बजे तक 11 बजे तक आते रहते हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सब तो यही कहता हूँ भाई समय अभी है नहीं, फैसला करूँगा। अब आज मैंने सबको छूट दी, वो कहीं जाओ आपके माध्यम से मैंने छूट दी, और सबसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे, कोई जननायक में जाओ, कोई किसी अपने पर्सनल दोस्त की मदद करो, कहीं करो कुछ करो।